अभी तक आपने कई तरह के मशरूम खाए और देखे होंगे। मेघालय के जंगलों में एक ऐसा मशरूम देखा गया है जो रात में रोशनी छोड़ता है। इसका मतलब है कि दिन में ये आम मशरूम की तरह ही दिखाई देता है और रात होते ही ये चमकने लगता है। वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ मशरूम को रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेचिडिस नाम दिया है। इसे सबसे पहले मेघालय के ईस्ट खाली हिल्स जिले के मावलिनांग्स में एक जल स्रोत के पास देखा गया। इसके बाद वेस्ट जंतिया हिल्स के क्रांगसुरी में भी दिखाई दिया। मेघालय के जंगलों में मिली मशरूम की इस दुर्लभ प्रजाति को दुनिया के अन्य 97 चमकने वाले मशरूमों की सूची में शामिल किया गया है। इसे भारतीय और चीनी वैज्ञानिकों के एक समूह ने खोजा है। ये दल असम में मानसून के बाद जंगलों में फंगस की प्रजातियों पर शोध कर रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई इलेक्ट्रिक मशरूम के बारे में सुनने के बाद इस दल के वैज्ञानिक मेघालय पहुंचे। रात के अंधेरे में जब वैज्ञानिक ग्रामीणों द्वारा बताई गई जगह जंतिया और खासी हिल्स के जंगलों में पहुंचे तो इन चमकते हुए मशरूमों को देखकर हैरान रह गए। वैज्ञानिक भाषा में इन मशरूमों को बायो ल्यूमिनिसेंट मशरूम कहते हैं। दुनिया के अन्य मशरूमों की खासियत है कि ये रात के अंधेरे में हल्के नीले, हरे और बैंगनी रंग में चमकते दिखाई देते हैं। शोध दल के मौजूद वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रजाति के मशरूम में खास तरह के एंजाइम्स होते हैं। इसकी वजह से ये रात में तेजी से चमकते हैं, दिन में साधारण मशरूम की तरह दिखते हैं। इन मशरूमों के रात में रोशनी छोड़ने की खास वजह है। रोशनी छोड़ते समय इस पर मौजूद कीड़े के जरिए इसके बीजाणु जंगल में अन्य जगहों पर फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया से जंगल में मशरूम की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इससे वे पौधों की छाल, तने, जमीन से नमी लेकर पनपते हैं। मेघालय में ये मशरूम बांस के जंगलों में बांस की जड़ों के पास उगते हैं। शोध दल में मौजूद वैज्ञानिकों ने मेघालय के अलावा केरल के गोवा में भी इस प्रजाति के मशरूम खोजे हैं। यह एक खास प्रकार का कवक होता है। उगने के लिए इन मशरूम को पर्याप्त नमी की जरूरत होती है, साथ ही तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मेघालय, केरल और गोवा में इनकी तादाद बारिश के मौसम में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हें खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के बीच जंगल में रात के समय घूमना होता है, ये खतरनाक भी हो सकता है। सबसे पहले 2015 में चमकने वाले मशरूम की एक प्रजाति मिली थी। ये नारियल के पेड़ के नीचे पाई जाती थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।